जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड देने की घोषणा की है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका डिविडेंड कब मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा तथा जिस व्यक्ति के पास इस कंपनी के शेयर नहीं है वो कब तक इस कंपनी के शेयर को बाई करें ताकि वो भी डिविडेंड को लेने के लिए एलिजिबल हो सकें। और इसके अलावा कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी जारी किए हैं जिसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा आपको आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड नाम से स्पष्ट है कि कंपनी फिल्म का प्रोडक्शन करती है, फिल्म बनाती है। इसका मार्केट कैप है 3264 करोड़ रुपया, अर्थात 3264 करोड़। जिस कंपनी का मार्केट कैप है वो एक मिड कैप कंपनी है और इसका शेयर प्राइस है 1796 रुपया। शेयर प्राइस में अचानक से एक उछाल आया है। साल भर पहले जब आप देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 300 से 400 के आसपास हुआ करता था और अभी भी यह अपने बुक वैल्यू से 3.5 times हाई ट्रेड कर रहा है। और अगर कंपनी के हाई की बात करें तो कंपनी अभी तक 1890 रुपये का हाई लगा चुका है। इसका शेयर प्राइस अधिकतम यहाँ तक आया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ इसी साल 25 जनवरी को, जिसमें दो प्रमुख बातें निकलकर सामने आई। एक कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और दूसरा ये कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी जारी किए हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में, तो इस रिजल्ट पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री देखते हैं इसके डिविडेंड का कि कंपनी ने पास्ट में कब कितना डिविडेंड दिया है। देखिए, 2021 के पहले तक कंपनी साल में सिर्फ एक बार डिविडेंड दिया करती थी, लेकिन 2021 से कंपनी अब साल में दो बार डिविडेंड दे रही है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी जो डिविडेंड देती है वो भी साल दर साल बढ़ा है। पिछले बार कंपनी ने 25 रुपया डिविडेंड दिया था, जो अब तक का हाईएस्ट है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार कंपनी ने अपने डिविडेंड को कम कर दिया है, जबकि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे आए हैं। इस बार कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की बात की है, लेकिन यह और ज़्यादा होना चाहिए था। आइए अब उसके बारे में समझते हैं। देखिए, कंपनी ने कहा है कि वो 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देगी इस बार, और फेस वैल्यू इसका है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो जब आप 10 रुपये के फेस वैल्यू पर 10 रुपये का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 100% आएगा। लेकिन फिर भी कंपनी को 10 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड इस बार देना ही चाहिए था, और इसका रिकॉर्ड डेट रखा गया 3 फरवरी, यानी कि अगर आप 3 फरवरी के पहले तक इस कंपनी के रिकॉर्ड लिस्ट में आते हैं तो आपको डिविडेंड दिया जाएगा। और अगर आप 3 फरवरी के पहले तक इसके रिकॉर्ड लिस्ट माने चाहते हैं, अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर नहीं है तो आप 31 जनवरी तक इस कंपनी का शेयर बाई कर लीजिए, फिर आप 3 फरवरी तक इस कंपनी के रिकॉर्ड लिस्ट में आ जाइएगा और आपको भी इस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए, बात करते हैं जो इसका डिविडेंड मिलेगा 10 रुपया, वो बैंक अकाउंट में कब तक आएगा। तो आपको बैंक अकाउंट में 24 फरवरी के पहले तक इस डिविडेंड का रुपया आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वार्टर 3 पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंपनी ने क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी ने बताया है कि उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे शुद्ध इनकम कहते हैं, और अर्निंग पर शेयर, तीनों चीज़ बढ़ा है। तो यह एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू 783 करोड़ हो गया है, जो कि क्वार्टर 2 में सिर्फ 764 करोड़ था, कुछ बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे ही नेट इनकम कहते हैं क्योंकि यह टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है, यह भी बढ़कर 104 करोड़ हो गया है, जो क्वार्टर 2 में 97 करोड़ था, अर्थात 7 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 57.46 रुपया हो गया है, जो कि क्वार्टर 2 में सिर्फ 53.54 रुपया था। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि रेवेन्यू और इसका जो शुद्ध इनकम है वो करोड़ में है, लेकिन अर्निंग पर शेयर सिर्फ रुपया में है। अर्निंग पर शेयर करोड़ या लाख में नहीं बढ़ता, वो कुछ रुपया में बढ़ता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर शेयर पर कितना रुपया बढ़ा है वो दिखाता है। तो आई होप मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।